के नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन किया जाएगा और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर सीरीज चलेगी और जो कि आपके इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। तो आज क्वेश्चन की जो सीरीज स्टार्ट होती है वह कुछ इंसेक्टिसाइड कीटाणुनाशक कुछ कीटाणुनाशक कंपाउंड पर होगी, जो कि कीटाणुनाशक होते हैं और आप उन सभी कंपाउंड के नाम को जानते होंगे लेकिन उनके फार्मूले से वाकिफ नहीं होंगे। आज इस पर डिस्कशन होगा। तो आज हम लोग नॉर्मली जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे डीडीटी और गमॉक्सिन। डीडीटी और गमॉक्सिन पर हम लोग डिस्कशन करेंगे जो कि दोनों इंसेक्टिसाइड होते हैं और हमारे एग्जाम में क्वेश्चन दो तरीके से आता है, एक नाम गमॉक्सिन देकर डायरेक्टली आता है और एक नाम डीडीटी देकर आता है। लेकिन एक नाम जो होता है ऑर्गेनिक का जो पैटर्न होता है क्वेश्चन बनाने का, वह नाम क्या होता है वही नाम से हम आपको वाकिफ कराते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा, आपको पूछेगा क्या होता है जब क्लोरल की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन के साथ होने पर, क्लोरल की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन के साथ होने पर, अब क्लोरल की अभिक्रिया किसके साथ होती है, बेंजीन के साथ, सॉरी क्लोरोबेंजीन के साथ, किसकी अभिक्रिया क्लोरल की, क्लोरल की अभिक्रिया क्लोरोबेंजीन के साथ क्या होता है। और एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक क्वेश्चन और आपको दिखाएगा कि बेंजीन की क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया, मतलब बेंजीन की क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होती है क्या होता है। मतलब दो क्वेश्चन हैं, एक में क्लोरल की चर्चा की गई है क्लोरोबेंजीन के साथ, एक में बेंजीन की चर्चा की गई किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो हम वही डिस्कशन करेंगे कि आखिर क्लोरल क्या करता है और बेंजीन क्लोरीन के साथ क्या करता है, क्लोरल क्लोरोबेंजीन के साथ क्या करता है, देखते हैं। पहला तो हमारा टॉपिक ये आ रहा है गमॉक्सिन। गमॉक्सिन अगर गमॉक्सिन को हम देखें, ये हमारा गमॉक्सिन है, अगर गमॉक्सिन को देखा जाए, ये आपका गमॉक्सिन है, अगर इस गमॉक्सिन के लिए बात किया जाए तो गमॉक्सिन पर हमारा पहला टॉपिक क्या है, गमॉक्सिन। गमॉक्सिन एक इंसेक्टिसाइड होता है, कीटाणुनाशक होता है। ये कब बनता है इसको देखिए क्या होता है, जब बेंजीन को हम क्लोरीन की अधिक की मात्रा के साथ सूर्य के प्रकाश उपस्थिति में क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। तो आप सिंपली भाषा में समझ जाइएगा, जब भी कोई भी अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश उपस्थिति यहाँ पर हो रही है और यहाँ पर क्लोरीन जुड़ रहा है, और क्लोरीन जुड़ने का मतलब ये होता है, जब भी दिमाग रखो यहाँ पर एक पाई है कि नहीं, शरीर में अल्टरनेटर क्या है, पाई बॉन्ड होता है, और हमेशा आप ध्यान दें एक पाई के नुकसान होने पर दो सिग्मा बनते हैं, एक पाई के टूटने पर दो सिग्मा बनते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि सिग्मा कौन बनाएगा, बताओ सिग्मा कौन बनाएगा। और इसमें पहले से बेंजीन में हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है, तो जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे बताओ कितने क्लोरीन जुड़ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, हर कार्बन पर एक क्लोरीन जुड़ जाएगा और हर क्लोरीन क्या बनाएगा, एक सिग्मा बनाएगा। तो मिला के 6 क्लोरीन जुड़ रहे हैं, तो 6 सिग्मा बन रहा है कि नहीं बताओ, और 6 सिग्मा आप देख पा रहे खुद बन रहा है, और 6 सिग्मा बनने का मतलब कितने पाई टूट रहे हैं, 3 पाई टूट रहे हैं। इसको 6 सिग्मा बनाने के लिए इसमें क्लोरीन को हम क्या दिखाएंगे, अधिक दिखाएंगे, जिसकी मात्रा लेंगे 3Cl2। ये एक प्रकार की योगात्मक मुक्त मूलक अभिक्रिया होती है, जब बेंजीन को क्लोरीन के साथ अधिक मात्रा में प्रकाश को रखा जाता है तो एक कीटाणुनाशक इंसेक्टिसाइड कंपोनेंट बनता है जिसका नाम होता है, ये तो आपका क्या है, इसको तो हम लोग कहते हैं क्या, बेंजीन कहते हैं, लेकिन इसका नाम हो जाता है हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। 6 क्लोरो है ना, हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन को ही हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, गमॉक्सिन कहते हैं, जिसका प्रयोग हम लोग पाउडर के रूप में होता है, आपको जानते हैं इसका प्रयोग हम लोग कीटनाशक रूप में करते हैं, यही हमारा हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो ये सिंपल टर्म होता है गमॉक्सिन का, जो कि बेंजीन के टूटने बनता है। नाउ नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, आपको क्वेश्चन देता है डीडीटी। डीडीटी क्या होता है, या तो अभी मैंने बताया कि क्लोरल का क्लोरोबेंजीन के साथ अभिक्रिया, क्लोरल का क्लोरोबेंजीन के साथ अभिक्रिया होती है क्या, वो डीडीटी होती है, और डीडीटी का जो फुल फॉर्म नाम होता है वो आप खुद देख पा रहे हैं कि डीडीटी, यही आपकी डीडीटी है, लेकिन ये बनती कैसे उसको देखेंगे। मैंने आपको लेक्चर में बताया था H2SO4 क्या होता है, एक प्रकार का निर्जली कारक अभिकर्मक होता है, ये क्या करता है, ये सिर्फ पश्चिम को गर्म करेंगे,
तो उसमें से क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। तो ये क्लोरल होता है जिसको आप देख पा रहे हैं, क्या होता है क्लोरल आप खुद देख पा रहे हैं क्या है, नॉर्मली फार्मूला से क्या होता है सी, इसको लिखा रहता है Cl3, इसको नॉर्मली में लिखा रहता है, अगर इसको नॉर्मली में हम लोग देखें तो लिखा रहता है Cl3CH2, यही क्लोरल। और जिसको हमने स्ट्रक्चर में लिख दिया है, अब क्लोरो बेंजीन आप सभी जानते हैं, ऐसे लिखा रहता है बेंजीन होता है और इसके साथ Cl लिखा होता है। लेकिन मुझे पता है आप लोग को मालूम है कि इस पोजीशन को छोड़कर हर पोजीशन पर हाइड्रोजन है, हर पोजीशन पर हाइड्रोजन क्लोरोबेंजीन में। तो यही चीज होता है, ये क्लोरल का नॉर्मल फार्मूला है, ये क्लोरोबेंजीन का नॉर्मल फार्मूला है। अब हम जब हम क्रिया कराते हैं किसका, क्लोरल का किसके साथ, क्लोरोबेंजीन के साथ, किसकी उपस्थिति में, एस्टर सपोजिटरी में इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। मतलब क्लोरल को क्लोरोबेंजीन का एस्टर सपोजिटरी क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो मैंने आपको बता चुका हूँ, कि जब इसको गर्म किया जाता है तो बताओ क्या होता है, क्योंकि ये क्या होता है बताएं, ये क्या होता है, एक आपका ये क्या होता है, एक क्या होता है, ये आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है जिसके कहते हैं निर्जलीकरण कारक होता है, ये निर्जलीकरण कारक होता है, जल को बाहर निकालने वाला होता है। अब ये क्या करेगा, ये दो हाइड्रोजन क्लोरोबेंजीन की हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन को लेकर क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, इस रूप में जाएगा, बताओ इस रूप में जाएगा, बाहर चला जाएगा। और इस कार्बन की जो दो वैलेंस ऑक्सीजन को लेकर जा रहा है वो किससे जुड़ जाएगी, रिंग से जुड़ जाएगी। आप खुद देख पा रहे हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4 वैलेंस हो जाएगी। और इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, ये बताओ क्या है, क्लोरो कहाँ पर लगा है बताओ, ये पहला पोजीशन होता है। आप खुद जानते हैं कि बेंजीन रिंग पर जो फंक्शन का पोजीशन दिया जाता है ये क्लोरो को हम पैरा मानेंगे, इस पर है पैरा पर है, पैरा पर इसमें भी क्लोरो है, पैरा पर भी क्लोरो है, क्या लिखा गया, दो बार पैरा है तो पैरा पैरा दो बार क्लोरो डाई क्लोरो। और इस रिंग को हम क्या मानते हैं, इस रिंग को हम कहते हैं फेनिल, क्या कहते हैं फेनिल। तो ऐसी कितनी रिंग है, दो, तो डाई फेनिल, क्लोरो कितने हैं, एक दो तीन, ट्राई क्लोरो दो कार्बन है, एक और दो पैरेंट चेन में दो कार्बन, तो ये थोड़ा सा सिंगल बॉन्ड है इसलिए लिखा गया एथेन, जिसका नाम होता है पैरा पैरा डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन। और इसी को हम क्या कहते हैं DDT, यही आपका क्या होता है DDT होता है, जो कि कीटाणुनाशक होता है, जो कि जल में अभिलय होता है, ये जल में अभिलय होता है, कीटाणुनाशक होता है, लेकिन यह इतना प्रदूषक होता है कि इस पर गवर्नमेंट का बैन लग चुका है, ये इस पर बैन लग चुका है, DDT पर बैन लग चुका है। तो ये अपन DDT होता है, जिसे क्या कहते हैं डाइक्लोरोडाइफिनिल ट्राइक्लोरोएथेन। तो आपको कभी कभी DDT का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ये फुल फॉर्म बताएं, और या फिर आपको DDT कैसे प्रिपेयर होती है, तो DDT क्लोरल और क्लोरोबेंजीन को क्या करते हैं, H2SO4 गर्म करते हैं, तो हमें क्या मिलता है DDT उत्पाद बनता है। ये एक क्या होता है, कीटाणुनाशक होता है, जायटिक इंसेक्टिसाइड होता है, बट प्रेजेंट टाइम इस पर क्या है बैन, क्या है बैन।